क्लास फिफ्थ आरबीएससी हिंदी मीडियम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। पहला पेपर है इंग्लिश का। इसके अंदर लेक्सिकल आइटम्स मार्क 16। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द वर्ड विच हैज़ अ डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। ये 1 नंबर का है। रेखांकित अक्षर से उच्चारित होने वाला अलग ध्वनि का शब्द चुनिए। इसका राइट आंसर है सी, पुल। तो सेकंड क्वेश्चन है, चूज करेक्ट आंसर। सही उत्तर चुने, नेवर प्ले ऑन द डैश। तो इसका राइट आंसर है डी, रोड। क्वेश्चन 3 है, राइट वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन ब्लो। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखें। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेस वेयर द किंग्स एंड क्वींस लिव। तो इसमें आएगा पैलेस है इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, अ पर्सन हु हंट्स वाइल्ड एनिमल्स। तो इसमें आएगा हंटर। क्वेश्चन 4 है, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो फर्स्ट है बिग, बिग का स्मॉल, और सेकेंड है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट जेंडर ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। रेखांकित शब्द का लिंग बदल कर लिखें। ये 2 मार्क्स का है ये भी। इसमें देयर आर 20 मैन एंड 25 डैश इन द रूम। तो देयर आर 20 मैन, तो मैन का वुमेन, एंड 25 वुमेन्स इन द रूम। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक करेक्ट वर्ड। सही शब्द बनाने के लिए रिक्त स्थानों में वर्तनी लिखो। क्वेश्चन इसमें फर्स्ट है, वी शुड वेयर अ हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग अ स्कूटर। हेलमेट इसका आंसर है। सेकेंड है, देयर वेयर मैनी एनिमल्स इन द जू। जू आंसर है इसका। 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, अरेंज द फॉलोइंग जंबल लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। ये 2 मार्क्स का, अक्षरों को सही क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाइए। तो पहला है पी आई ए एन, इसका बनेगा पेन, पी ए आई एन। और सेकंड है एस ई ओ एच, शू, यानी इसका बनेगा शू, एस एच ओ ई, शू। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मिसिंग लेटर्स। ये 2 मार्क्स का है, छूटे हुए अक्षरों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एच डैश एन ओ डैश आर, तो ये होनर है एच ओ एन ओ यू आर, तो ओ यू फर्स्ट में आंसर है। सेकेंड है इसका ट्विंकल, तो टी डब्ल्यू डैश एन के एल डैश, तो आई आ जाएगा और ई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मेक अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड वाटर। वाटर शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। ये 2 नंबर का है। वाटर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लिविंग। अब है स्ट्रक्चरल आइटम्स मार्क्स 17। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट इन द ब्रैकेट। सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखे। 1 मार्क्स का है। डोंट यूज मोबाइल व्हाइल डैश अ व्हीकल। तो इसमें आएगा बी, ऑप्शन बी, ड्राइविंग। डोंट यूज मोबाइल व्हाइल ड्राइविंग अ व्हीकल। क्वेश्चन 11, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंस। ये 2 मार्क्स का है। कोष्टक में सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। राज इज वीक, ही डैश लेफ्ट द टेबल। तो इसमें कैन आएगा या कांट आएगा ये बताना है। राज इज वीक, ही कांट लेफ्ट द टेबल। क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। कोष्टक में दी गई क्रिया के सही रूप को रिक्त स्थानों में भरिए। तो पहला है इसके अंदर, हरी इज डैश हॉकी नाउ। तो प्ले दे रखा है, इसमें आएगा प्लेइंग, हरी इज प्लेइंग हॉकी नाउ। सेकेंड है द सन डैश इन द एस्ट। तो इसमें राइज दे रखा है, तो राइज आएगा इसमें। ऑप्शन 3 है, ऑप्शन क्वेश्चन 3 है, माय फादर डैश मी टू वॉच अ मूवी यस्टरडे। तो टैग लिखा हुआ है, तो इसमें आएगा टुक। क्वेश्चन 4 है, आई डैश टू ड्रिंक टी, नॉट लाइक लिखा हुआ है, तो डू नॉट लाइक इसमें आंसर आएगा। क्वेश्चन इसमें 5 है, वी डैश टू स्कूल एट 9:30 AM, इसमें गो लिखा हुआ है, इसमें भी आंसर गो आएगा। 11, क्वेश्चन 6 है, माय क्लास डैश द मैच लास्ट वीक, इसमें विन लिखा हुआ है, इसमें करेक्ट वर्ब आएगी वॉन। क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिव इन द ब्रैकेट्स। कोष्टक में से सही शब्द छाट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वी वेंट टू सी डैश ताज। तो इसमें द आएगा। सेकंड में है, यस्टरडे आई से डैश एक्सीडेंट। तो इसमें एन आएगा। थर्ड है, माय सिस्टर
कम्प्लीट्स डैश होम वर्क्स इन टाइम, हर आएगा इसमें। फोर्थ है यू हैव अ शर्ट डैश शर्ट इज़ येलो, यूअर आएगा इसमें। फिफ्थ है द बोट इज़ डैश द ब्रिज, तो इसमें अंडर आएगा। सिक्स क्वेश्चन है इसका, द बर्ड्स आर सिटिंग डैश द ट्रीज, तो इन आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, चूज करेक्ट कनेक्टिव्स टू कंप्लीट द सेंटेंस, ये 2 मार्क्स का कोष्टक में से उपयुक्त संयोजक चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कृति डैश सीमा वेंट टू मीट हिताशी डैश ही शी वाज नॉट एट होम, तो कृति एंड सीमा वेंट टू मीट हिताशी बट शी वाज नॉट एट होम। अब रीडिंग कॉम्प्रेशंस है, मार्क्स 31, इसमें 15 से 18 क्वेश्चन है। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन इन द ब्लॉग, गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन इंडिया मेनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेट द ग्रेट झील, दशहरा इज़ वन ऑफ देम, इट इज़ आल्सो कॉल्ड विजयादशमी। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर दशहरा ऑक्यूज ऑन द 10th डे ऑफ अश्विन मंथ शुक्ल पक्ष, ऑन दिस डे लॉर्ड राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण द किंग ऑफ लंका, ही किडनैप राम एज वाइफ सीता एंड टुक हर टू लंका, दिस लेड टू अ फायर्स बैटल बिटवीन राम एंड रावण विच एंडेड विद द डिफ्ट ऑफ रावण एंड हिज आर्मी। दशहरा इज सेलिब्रेट इन ऑनर ऑफ राम एज विक्ट्री, दशहरा इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गॉड गुड ओवर इविल। अब इसका क्वेश्चन है 15th पैसेज में से, दशहरा ऑक्यूज ऑन द डैश डे ऑफ अश्विन मंथ शुक्ल पक्ष, तो 1 नंबर का है ये, इसमें करेक्ट आंसर है सी 10th, यानी दशहरा ऑक्यूज ऑन द 10th डे ऑफ अश्विन मंथ शुक्ल पक्ष। क्वेश्चन नंबर 6 है पैसेज का, इसमें फर्स्ट है हाउ आर फेस्टिवल सेलिब्रेट इन इंडिया, ये 3 मार्क्स का है। इन इंडिया फेस्टिवल आर सेलिब्रेट विद ग्रेट झील, इसका आंसर है। सेकंड है व्हाट इज अनदर नेम ऑफ दशहरा, तो अनदर नेम ऑफ दशहरा इज विजयादशमी, ये भी 3 मार्क्स का था। अब क्वेश्चन इसी का पैसेज का क्वेश्चन नंबर 17 का पहला, व्हाई इज दशहरा सेलिब्रेट, ये 3 मार्क्स का। दशहरा इज सेलिब्रेट इन हॉनर ऑफ राम एज विक्ट्री, इसमें सेकंड है व्हाट डज दशहरा सिंबलाइज, तो इसमें 3 नंबर का, ये भी दशहरा इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड एवर ओवर इविल। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका फर्स्ट है हु वाज रावण, 3 नंबर्स का है। रावण वाज द किंग ऑफ लंका। सेकंड क्वेश्चन है राइट अपोजिट वर्ड ऑफ डिफीट फ्रॉम द पैसेज, गद्यांश में से डिफीट का विलोम शब्द लिखिए, ये भी 3 मार्क्स का है। तो डिफीट मीन्स विक्ट्री। नाइनटीन टू ट्वेंटी रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन अ जंगल देयर लिव्ड अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स, वन डे दे से सम ग्रेन्स ऑफ राइस लिविंग ऑन द ग्राउंड, दे वेयर वेरी हैप्पी एंड फ्लू डाउन आफ्टर इटिंग, दे ट्राइड टू फ्लाई अवे, दे फाउंड देयर फीट स्टक इन अ नेट, एन ओल्ड पिजन आस्क्ड देम टू फ्लाई टूगेदर, दे फ्लैप्ड देयर विंग्स टूगेदर, सून दे लिफ्ट द नेट एंड फ्लू अवे। पैसेज में से क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का फर्स्ट, वेयर डिड द फ्लूक ऑफ पिजन लिव, तो ये 3 मार्क्स का है। द फ्लूक ऑफ पिजन लिव्ड इन अ जंगल। सेकेंड है इसका, वेयर वर द ग्रेन्स ऑफ राइस लिविंग, ये 3 मार्क्स का है। द ग्रेन्स ऑफ राइस लिविंग ऑन द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट है, व्हाट डिड द ओल्ड पिजन आस्क, ये 2 मार्क्स का है। द ओल्ड पिजन आस्क्ड ऑल द पिजन्स टू फ्लाई टूगेदर, इसका आंसर है। सेकंड है व्हाट हैपेंड टू देयर फीट, ये 2 मार्क्स का, इसका आंसर है देयर फीट स्टक्ड इन अ नेट। इसका थर्ड क्वेश्चन है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ यंग फ्रॉम द पैसेज, ये 2 मार्क्स का। गद्यांश पे से यंग का विलोम शब्द लिखे, यंग इज ओल्ड,
यंग का विलोम शब्द है ओल्ड। अब राइटिंग सेक्शन है मार्क्स 16। क्वेश्चन नंबर 21, यू आर रेशमा स्लैश रितेश स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल विजयानगर। योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू जयपुर, यू हैव टू गो विथ हीम, सो राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर फॉर आइसिंग योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आप रमेश या रितेश हैं, आप उच्च प्राथमिक विद्यालय विजयनगर में पढ़ते हैं, आपके पिताजी का स्थानांतरण जयपुर हो गया है, आपको उनके साथ जाना है, आपने प्रधानाध्यापक को अपनी टीसी स्थानांतरण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखे। ये 8 मार्क्स का है। इसका आंसर है सबसे पहले 2 जुलाई 2000, जो भी 2019 लिख सकते हैं आप, 19 चल रहा है आपके बोर्ड में आएगा तो 2020 लिखना है आपको। द ऊपर आएगा द हेड मास्टर, फिर उसके नीचे आएगा गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जो स्कूल का नाम दे रखा है, फिर विजयानगर। सर Respectfully, I state that my father has been transferred to Jaipur. I have to go with him. I shall study there. Kindly issue my transfer certificate. Thanking you, your obediently Reshma Ritesh, class 5th. और ये एक और ऑप्शन में है इसका, ये करें या ये करें। You are Nihal या Nihit living at विशाली नगर अजमेर। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड तीना या अंकित इनवाइटिंग हर या हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। आप वैशाली नगर अजमेर में रहने वाले नेहल या निहित हैं, अपने मित्र टीना या अंकित को अपने जन्मदिन उत्सव में उसे बुलाने हेतु एक पत्र लिखें। तो सबसे पहले डेट 21 वैशाली नगर अजमेर 11 जनवरी 2020। Dear Tinal ya Ankit, you will be pleased to know that my birthday is on 21st January. There will be a party at 6 p.m. I cordially invite you to attend it. Other friends and relatives will also attend it. We shall enjoy it a lot. Please do come. With love, yours loving friend, Nehal ya Nihit. क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन अ काउ बाय फ्लिंग इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स गिव इन द ब्रैकेट। ये 4 मार्क्स का है। कोष्टक में दिए गए उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थान भरते हुए अ काउ पर एक संक्षिप्त पैराग्राफ लिखें। आंसर है इसका, अ काउ इज अ बिग एनिमल, इट हैज 4 लेग्स एंड अ लॉन्ग टेल, इट हैज़ 2 हॉर्न्स 2 ईयर्स एंड 2 आईज, इट ईट्स ग्रास, इट इज मिल्क, इज वेरी यूजफुल फॉर द चिल्ड्रन एंड वीक पर्सन्स, द बेबी ऑफ द काउ इज कॉल्ड काल्फ, द हिंदूज वर्शिप द काउ। इसका अथवा में है यानी और, Look at the given picture. Write your sentence on the picture with the help of the words given below. 4 marks का है। चित्र को देखकर उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए हुए शब्दों का प्रयोग कर 4 वाक्य बनाएं। इसका आंसर है, There is a zoo. It has wild animals and birds like elephants, tigers, ducks, giraffes, giraffes, bear and so on. The cages are safe. Children enjoy watching them. It has a ticket office also. इसका 21 क्वेश्चन नंबर 22। सेकेंड, rewrite the given sentence in your own handwriting using capital letters, small letters and correct punctual marks. ये 4 मार्क्स का है। आवश्यकता अनुसार अर्ध विराम पूर्ण विराम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हुए अपनी लिखावट में दिए गए वाक्यों को पुनः लिखें। वन डे रामा विजिट रोहिणी एज हाउस शी सीज एन ओल्ड मैन एज
फोटोग्राफ शी आस्क हुज फोटोग्राफ इज दैट, आंसर है वन कैपिटल आएगा ओ, वन डे रामा कैपिटल आएगा आर, विजिट्स रोहिणी एज हाउस शी सीज एन ओल्ड मैन एज फोटोग्राफ शी आस्क, डब्ल्यू कैपिटल में आएगा, पॉइंट लग रहा है, इसके अंदर सब बताया गया है।